8 दिन हो गए कुचामन की बेटी का दिन दहाड़े हत्या की गई। आज कुचामन के लोगों ने अपनी इच्छा से, स्वइच्छा से कुचामन बंदरगाह, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो इस शहर के नाम पे धब्बा लगे, शांतिपूर्ण बंद रहा। उसके बाद हमारे यहाँ भजन कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है, सर्व समाज सभी संगठनों द्वारा ताको सरकार को सद्बुद्धि आए, पुलिस को सद्बुद्धि आए, वो जनता की पीड़ा समझे, हमारी बहन को न्याय दिलाए। बड़े शांतिपूर्वक कैंडल मार्च शहर के अंदर निकाल के विरोध किया था इस सरकार का, इस प्रशासन का, उसका अभी तक इस सरकार और प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज 8 दिन बीतने जा रहे हैं, पिछले मंगलवार को एक घटना हुई थी, आज फिर मंगलवार हो गया। उन पेरेंट्स में क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया, उन पेरेंट्स में क्या बीत रही होगी, उस समाज में क्या बीत रही होगी जिन्होंने एक जो लड़की चली गई उसके हत्यारों को अभी तक सजा देना तो दूर की बात, सजा उनको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बहन रश्मि की बड़े ही दर्दनाक तरीके से हत्या हुई है। हमें कुचामन वासियों पर बड़ा गर्व है जिन्होंने, सर्व समाज ने मिलकर कुचामन को शांतिपूर्वक ढंग से बंद किया है और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे ज़िले भर में सभी समाजों का सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है। नागौर ज़िले में लगभग सभी उपखंड तहसीलों में ज्ञापन दिए जा चुके हैं।